हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यूपी पुलिस 49,568 भर्ती से रिलेटेड जो भी डाटा है, डीबी पीएचडी प्लस पीएटी, ठीक है, कितने अब्सेंट रहे, कितने प्रेजेंट रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शो हो रहा होगा, ठीक है। प्लस आपकी मेरिट जो है, ये आपके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी जो मेरिट है वो कितनी बढ़ सकती है, और इससे रिलेटेड जो है हमने आपके लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करी थी, और हमने आपको ये भी बोला था कि अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। उसी में से हमारे एक फ्रेंड्स ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया और इतना मेहनत किया यार, मतलब अगर आपको नॉलेज, मतलब जिस स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने इतना मेहनत करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जो है, उन्होंने ये सारे कमेंट्स जो है वे लिखे हैं, और देखिए आपके इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम तो अपनी बात आपको डेली बताते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपके क्या विचार हैं, हमारे क्या विचार हैं, सारे इन्फॉर्मेशन जो है देते रहते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन से रिलेटेड होती है, ताकि आपके सिलेक्शन में बेनिफिट्स हो। तो अभी तो आपके मन में यही चल रहा है कि मेरिट कितना जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, ये है नीरज गुप्ता, ठीक है, और इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, कितने डीबी पीएचटी में पहुँचे, कितने एब्सेंट हुआ, कितने पीएटी में पहुँचे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए हम शॉर्टली जान लेते हैं फ्रेंड्स, और आपकी क्या राय है इससे, मतलब आप जो है एग्री करते हो कि नहीं, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में यस और नो जरूर लिखना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि आपको पता होगा टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी, 49,568। हम बस इन्हीं की बात बोलेंगे, ठीक है, अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम डेली बोलते हैं, आज इनकी भी सुन लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी सिविल पोस्ट कितनी थी, तो 31,360, एंड पीएससी पोस्ट कितनी थी, तो 18,000, ठीक है, 18,208 जो है वो आपकी पीएससी पोस्ट थी। अब बात आ जाती है फीमेल की, तो इसमें मेल एंड फीमेल की कितनी सीट थी, तो आप देख सकते हो, हम सिंपली शॉर्टली बता देते हैं कि 6,000 प्लस जो है इसमें फीमेल की सीट थी। वहीं मेल की बात करें, तो मेल सिविल की बात करें तो देख सकते हो 25,000, ठीक है, 25,088 प्लस मेल पीएससी की बात करें तो 18,000 प्लस, ठीक है। और नेक्स्ट, टोटल मेल सीट कितनी हुई, तो 43,000 प्लस जो है, 43,000 प्लस जो है वो टोटल मेल की सीट हो गई, और 6,000 प्लस फीमेल की सीट हो गई, मतलब कुल मिलाकर 48,000 प्लस जो है ये आपकी जो है इतनी वैकेंसी आई हुई थी। इतना बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि आपके भी बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि कितना, मतलब ये वो, तो अब आप इसमें डिटेल से समझ सकते हो। नेक्स्ट आपका है डीबी पीएचडी, तो अब आप ये सोच रहे हो डीबी पीएचडी में कितने स्टूडेंट्स बुलाए गए मेल एंड फीमेल के लिए। तो मेल की बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले फीमेल आपकी जो है 15,000 प्लस बुलाई गई थी, 15,682, और वहीं मेल की बात करें तो एक लाख, ठीक है, 1,00,000 प्लस जो है स्टूडेंट्स जो है डीबी पीएचडी के लिए बुलाए गए थे, मतलब कि टोटल अगर मेल एंड फीमेल को अगर आप ऐड करो, ठीक है, तो देख सकते हो 1,23,921 स्टूडेंट जो है डीबी पीएचडी के लिए बुलाए गए थे, मतलब कि ढाई गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। आपका वैकेंसी कितना था, 49,568, ठीक है, तो ढाई गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था डीबी पीएचडी के लिए। सिंपली इतना बात तो आप समझ गए। अब बात आ जाती है कितने अब्सेंट थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब्सेंट की बात करें तो आप जैसे देख सकते हो फीमेल 4,477, एंड मेल की बात करें तो देख सकते हो 30,000, ठीक है, 951 स्टूडेंट जो है वो अब्सेंट थे लड़कों में। अब टोटल आपकी कितनी अब्सेंट आ जाती है, तो 35,000, ठीक है। तो हम लोग तो हमने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि 30,000 प्लस जो है वो स्टूडेंट्स अब्सेंट है, ठीक है। तो देखिए, इनका भी यही आया है, तो कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं है, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आती है बात कि डीबी पीएचडी अपीयर, ठीक है, मतलब इसमें कितने जो है क्वालिफाई हुए, देख सकते हैं
सबसे पहले फीमेल फीमेल 15,000+ बुलाया गया था, जिसमें जो है मतलब कि 4,000 तो अब्सेंट हो गए, इक्वल में करोगे तो 11,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाती है कि मेल मेल 1,00,000+ प्लस 30,000 इसमें अब्सेंट हुए, 77,000 बचे। ठीक है, टोटल आपकी जो है 88,493 स्टूडेंट जो है वो डीवी पीएचटी में पास हुए हैं। अब आप देखिए आपकी सीट कितनी है, 49,568, अभी आपकी दौड़ बाकी है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आओगे दौड़, तो दौड़ की बात करें तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हो, अब आपकी डीवी पीएचटी में भी अब्सेंट हुए हैं होंगे। ठीक है, तो पेट में आ जाता है पीएटी। ठीक है, तो देखिए आप फीमेल के लिए कितना लिस्ट जारी किया गया था, फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, 10,000+ लिस्ट आपकी जारी की गई थी, प्लस 13 आप उसमें बाद में जो एक लिस्ट और आई थी आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा, या फिर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो एक अलग सी जो है लिस्ट आई थी। ठीक है, वो फर्स्ट लिस्ट में ही थी। तो 10,702 प्लस मेल जो है आप देख सकते हो 30,402 प्लस 28,000, मतलब दो बार लिस्ट आया ना दौड़ के लिए, तो प्लस आप फिर तीसरा जो एक लिस्ट आया, तीन लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, मतलब पूरा मिलाकर 62,664 स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है अभी दौड़ के लिए। अब बात आ जाती है कितने क्वालिफाई हुए। ठीक है, मतलब ये तो पूरा डाटा हो गया डीबी पीएचटी प्लस आपकी पीएटी, मतलब कितने बुलाया गया। अभी देखिए इसमें अब्सेंट वाला अभी कोई मतलब जो है नहीं दिक्कत है, अभी इसमें ये डाटा नहीं दिया गया है। अब देखिए बात आ जाती है कि अब तो वो मतलब जो भी उपस्थित हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब बात आ जाती है कि डीबी पीएचटी में फेल कितने हुए मेल एंड फीमेल। तो देख सकते हो 11,000 तो जो है स्टूडेंट्स डीबी पीएचटी के लिए बुलाए गए, माइनस 10,000। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है 503 जो है मेल हैं, सॉरी फीमेल हैं, वो फेल हुए हैं। और मेल की बात करें तो वो 14,624, तो देख सकते हो इसमें बताया गया है कि 14,624 जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं, मतलब कि इक्वल करने के बाद दोनों टोटल। ठीक है, ये अगर आप ऐड करोगे तो 14,624 जो स्टूडेंट्स हैं वो डीबी पीएचटी में फेल हुए हैं। इनके अनुसार आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट आपका जो है पीईटी, मतलब दौड़ के लिए कितने अब्सेंट रहे, तो देख सकते हो कि ये मेल के लिए है अब्सेंट रहे 5 से 8% और फेल रहे इसमें से 10 से 15%। वैसे तो ये औसत ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज हम अगर आपका निकालें तो 20 या फिर 25% से अधिक नहीं होगा, है ना। और फेल फेल और पास का आप अगर मतलब यहाँ करो तो देख सकते हो कि 12,532, वहीं पास की बात करें तो देख सकते हो 50,132 स्टूडेंट्स को इसमें क्वालिफाई किया गया है ना। अब देखिए जैसे आप नीचे आओगे तो डीबी पीएचटी अब्सेंट इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डीबी पीएचटी में कितने अब्सेंट हुए, प्रेजेंट कितने हुए, पास कितने हुए, पीएटी कितने हुए, टोटल मेल कितने, मतलब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और आपको क्या लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। ये सारे एनालिसिस करने के बाद अब देखिए उनका ये कहना है कि मेरिट आपकी कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरिट की बात करें तो देखिए इनका ये कहना है कि पीएससी की मेरिट 2 नंबर बढ़ सकती है, और वहीं उनका ये भी कहना है कि सिविल की जो मेरिट है वो 10 नंबर तक बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा मेरिट बढ़ेगा या फिर थोड़ा और कम होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए, अभी हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही अच्छे से आपके लिए लाएंगे। देख सकते हैं इनका ये भी कहना है कि पीटी को छोड़कर सब आंकड़े एकदम सटीक हैं और ये अनुमानित आंकड़े हैं और वास्तविक आंकड़े 19-20 हो सकते हैं, मतलब कि इधर उधर हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। और ये भी इनका कहना है कि आप सब अपना सुझाव और राय अवश्य दें, मतलब कि यार किसी ने अगर इतना मेहनत करके डिटेल्स में लिखा हो तो क्यों ना हम इस चैनल के थ्रू आपके जो भी विचार हैं वो सबके साथ साझा करें, ताकि सबको पता चले कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, सब अपना दिमाग चलाएं, हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय है, सच में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, फास्ट कमेंट करिए।
ठीक है। और यस और नो जरूर कमेंट करें कि आप इनके बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू जो भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आता है हम इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बेनिफिट्स हो सकता है। और वीडियो पसंद आई, अगर इनकी बात पसंद आई हो, तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।